जो भी तैयार किए हुए हैं, जिस नजर भी हम शुक्र गुजार हैं, और भी लाखों की शिकायत। इस सारे प्रोग्राम को जब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे, आई थिंक होपफुल के आप एंजॉय करेंगे आज इस प्रोग्राम को। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैडम प्रिंसिपल सुल्ताना साहब आज यहाँ पे दो मिनट के लिए तशरीफ लेके आए, और इन शहजाद साहब चूंकि ये आज के मुंतजमीन है, तो ये बाल बाबा तरीके से मेरे अलावा भी आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। उसके बाद दूसरा सिलसिला जारी है। और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। आज का प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से है। आपको पता है कि जश्न आजादी के लिए, तो आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। हमने जो भी सर्वे वगैरह बनाए आप लोगों के लिए इसी हवाले से तैयार किए हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जी आया हूँ, वेलकम। एक परचम के साए में सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ, इस पर जब के साए हम सबसे पहले हमें अपने दरमियान इंसानियत को प्यार करना है। इंसानियत होगी तो पाकिस्तानी होगी, जब पाकिस्तानी होगा तो फिर देखा जाएगा किस नजर से तल्ला लगता है। डॉक्टर के पास मरीज आता है तो वो उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं सोचता कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या किस मजहब से। सोसाइटी एंड आर पाकिस्तान, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पीस एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी का, पीस ट्रैवल पेंडी का, बड़ा मशहूर केयर फाउंडेशन और इनके सारे मुअज्जिन स्पेशली अज़ान यूसुफ भाई और सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जिन्होंने आज का ये बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको इस जबरदस्त इवेंट के इनका पे। और दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान जो आज एक बेहतरीन एक मौजिज़ पोजीशन अपनी रखता है, उसमें हमारी एनजीओ का बड़ा बेहतरीन करदार है, जिसकी मैं चाहूंगा कि आप क्लैप करें आज के इस इवेंट पे जिन्होंने आज इनकाद किया, हम सबको इकट्ठा किया। मैं सबसे पहले जनरल टामा साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, इन्होंने कुछ खास बातें की लेकिन एक खास बात की तस्वीर जरूर करनी चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का दौर है और हमारे दरमियान हमारे बड़े सामाजिक कारकुन तशरीफ रखते हैं। जी ये बहुत अच्छा उन्होंने लाभ उठाया है कि एक चार दीवारी में मस्जिद भी, मंदिर भी, गुरुद्वारा भी और गिरजा घर भी हो। ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कम्युनिटीज हैं वो तमाम आजादाना माहौल में अपनी अपनी इबादतगाह जो है उसे महफूज समझ सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी समाज जो है उसमें सबल हलाली परचम के साथ साथ वाइट परचम भी दिया गया है, ताकि अकलीतें यहाँ पर अपने आप को महफूज और आजाद माहौल में सांस ले सकती। जी सर, जब पीटीएफ अपने प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम किया जश्न आज़ादी के लिहाज से, आप उसके मुतल क्या कहना चाहते हैं? आज पीटीएफ तो जगह तमाम ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें 14 अगस्त के हवाले से भी ये प्रोग्राम हुआ। इसका प्रोग्राम का मकसद है कि जितनी पाकिस्तान में कम्युनिटियाँ हैं वो एक जगह इकट्ठे रह के अपना अपनी बाकी गाँव में अपने अंदाज से अपनी इबादत करें और उनको उनके दरमियान उनकी इबादत के दरमियान कोई भी फर्क ना हो। जी मैडम, आज पीटीएफ ने जो जश्न आज़ादी के लिहाज से प्रोग्राम किया उसके मतलब कुछ पता है? श्री बहुत खुश हूँ कि प्रोग्राम आज़ादी और हम सब का पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया गया, जिसके हमारे सोशल जी मैम आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ
और मेजोरिटी के लोग थे शामिल और सबने मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मनाया।